उन्होंने हरिजनों की समस्या को बड़ी खूबसूरती से हल करने की एक हसीन झलकी दी। तुम में सबसे बड़ा गुण यही है सुजाता, कि तुम में कोई गुण नहीं। बुआ जी कैसी हैं? मेरी बात का यही जवाब है क्या? तो फिर क्या कहूं बताइए। मुझ में क्या गुण है यही बता सकती हो? आप में तो ढेरों गुण भरे पड़े हैं, उन सब का बखान करने की शक्ति मुझ में नहीं। अच्छा तो मुझ में दोष क्या है यही बता दो। दोष? हाँ, मेरा सबसे बड़ा दोष। मैं नहीं जानती, समझ भी नहीं सकती। सच नहीं समझ सकती? मेरा सबसे बड़ा दोष है सिर्फ तुम्हें देखने के लिए यहां चले आना। बिमल रॉय को सुजाता के बेस्ट डायरेक्शन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। बिमलदा की कला एक इंद्रधनुष थी जिसका एक रंग मधुमति बनकर निखरा। फिल्म फेयर पुरस्कारों के इतिहास में एक ही फिल्म के लिए सबसे ज्यादा पुरस्कार बिमल रॉय ने मधुमति के लिए बटोर लिए। और इस एक फिल्म ने हमारे चहेते प्रतिभाशाली संगीत निर्देशक सलिल चौधरी को जन्म दिया। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुन धुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी, फिल्म मधुमति। मंगेशकर को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया। बिमलदा ने जिंदगी के हर पहलू को जिस गहराई और समझ से देखा उसका एक और सबूत है बंदिनी। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफें हुई, बदनामी भी सहनी पड़ी। मैं अपनी कैफियत नहीं दे रहा हूं, लेकिन विश्वास करो जो कुछ भी हुआ मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ। मैंने तुम्हें चिट्ठी में सारी बातें साफ साफ लिख दी थी, लेकिन वो चिट्ठी मेरे पास वापस आ गई। शायद तुम लोग गांव छोड़कर चले गए थे। अब इन सब बातों से क्या फायदा? फायदा तो कुछ नहीं कल्याणी, लेकिन मुझे कह लेने दो। किस्मत ने शायद मुलाकात इसीलिए कराई है कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। क्या ताज्जुब कि फिल्म फेयर ने उन्हें निर्माता निर्देशक की हैसियत से 11 बार सम्मानित किया, जो आज तक एक रिकॉर्ड है।